सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका मेरी कक्षा में, हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम खेल खेल में क्या सीखेंगे? चलो आओ सीखो खेल खेल में स्वरों का खेल। तो जो स्वर अभी तक हमने किए हैं, पहले उसका हम गीत गाएंगे। आओ, अ से अनार दानेदार, आ से अनार दानेदार, तोड़ो इसको पकड़ो सब, तोड़ो इसको पकड़ो सब। आ से आम फलों का राजा, आ से आम फलों का राजा, मीठा मीठा ताजा ताजा, मीठा मीठा ताजा ताजा। अ से आ के बाद क्या आएगा? ई से इमली खट्टी है भाई, ई से इमली खट्टी है भाई, इसकी हमने चटनी बनाई, इसकी हमने चटनी बनाई। इसके बाद क्या आएगा? ई से ईख उगाओ रे भैया, ई से ईख उगाओ रे भैया, गुड़ और चीनी खाओ रे भैया, गुड़ और चीनी खाओ रे भैया। तो अब ई के बाद अब हम करेंगे बात ऊ की। आज हम नया स्वर सीखेंगे, ऊ से उल्लू। उसे उल्लू की क्या बात, उसे उल्लू की क्या बात, उड़ता फिरता सारी रात, उड़ता फिरता सारी रात। उल्लू पूरी रात जागता है। तो बच्चों, आज हम स्वर ऊ की कहानी सुनेंगे। तो आओ मेरे साथ स्वर ऊ की कहानी सुन। आओ बच्चों, कहानी सुने ऊ की। स्वर ऊ, उड़न खटोले की कहानी। चलो चलो देखो क्या होगा इस कहानी में। एक बार ऊ से उपवन, एक बहुत प्यारा उपवन था। उसमें आकाश में एक उड़न खटोला उड़ रहा था। उड़न खटोला एक तरह का एक वाहन होता है जो आकाश में उड़ता है। उसमें बैठे उमा, ऊ से उमा और ऊ से उज्जवल बहुत खुश थे। वो आसमान में सैर कर रहे थे उड़न खटोला में बैठ। वाह भाई वाह। उन दोनों को देख नीचे खड़ा उड़न खटोला को देख नीचे खड़ा उमेश भी कूदने लगा। वाह भाई वाह। अब जब उमेश कूदने लगा, उमा और उज्जवल के पास उड़न खटोला में बहुत सारे उपहार थे। उसे उपहार, उपहार माने गिफ्ट। वो उपहार उन्होंने उदित को दिए और उदित बहुत खुश हो गया। आसपास सबको खुश देख, खिलखिलाते फूलों को देख, पतक को देख, उल्लू बैठा पेड़ पर खुश होने लगा। उसे उल्लू। तो आओ बच्चों, मजा आया कहानी में? चलो पुनः अभ्यास करें। क्या क्या है ये? उसे उपवन, उसे उमा, उसे उज्जवल, उसे उड़न खटोला, वाह वाह वाह, उसे उमेश, उसे उल्लू, उसे उपहार और उसे उदित। आशा करती हूँ आपको ऊ स्वर की कहानी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। धन्यवाद। हम ऊ लिखने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले डेट डालेंगे 25.8.21 और इधर क्लास वर्क। अब देखिए ऊ कैसे बनेगा। आधा गोला, एक और आधा गोला और उसको नीली रेखा में छूते हुए बनाना है। दूसरा आधा गोला और उसको नीली रेखा से टच करना। आधा गोला, एक और आधा गोला और इसको ऊपर नीली रेखा तक ले जाना है। आधा गोला, एक और आधा गोला और ऊपर छत। इस प्रकार हम ऊ बनाएंगे। आइए अब हम ऊ से संबंधित चित्र बनाते हैं। सबसे पहले एक गोला बनाया, फिर एक और आधा गोला बनाया,
एक और आधा गोला बनाया। आप बता सकते हैं हम क्या बना रहे हैं? बिल्कुल सही, ऊ से उल्लू। तो अब उल्लू की दो गोल गोल आंखें, उल्लू के कान, दो कान, उल्लू के पंख, ये बन गया उल्लू। इसके पैर बना देंगे दो रेखाएं बनाते हुए। और अब हम ऊ से बनाएंगे उपहार। तो एक लेटी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा बीच में, सोई रेखा और ऊपर, इस प्रकार बना देंगे। ये बन गया उपहार। आपको जन्मदिन पर उपहार मिलते हैं। अब हम दूसरा चित्र बनाएंगे ऊ से उपवन। उपवन किसको कहते हैं बच्चों? पार्क को। तो उपवन में क्या होता है? बहुत सुंदर सुंदर पेड़। तो हम पेड़ बनाएंगे। और क्या होता है उपवन में? फूल। तो हम फूल बनाएंगे। ये क्या बन गया? उपवन। तो देखिए ऊ से क्या क्या चित्र बने। ऊ उल्लू, ऊ उपहार, ऊ उपवन। तो बच्चों आप भी अभ्यास कीजिए ऊ लिखकर चित्र बनाने का। बाय बाय।